बाल यौन शोषण से व्यक्ति समलैंगिक बनता है, गे बनता है, इसका प्रमाण आज मैं दूंगा। राणावत टाइप में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ समलैंगिक कैसे बनते हैं, जिसमें लोग गे भी बोलते हैं, इसका आज आपको मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूँ। जो एक लड़का अपनी आप बीती कैसे बता रहा है, मैं उसकी ओरिजिनल आवाज़ और मेरी आवाज़ जो वार्तालाप हुई है उसको बदल कर बताऊँगा। किसी की गोपनीयता मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। ऐसे मेरे पास में ढेरों प्रमाण हैं जो बाल यौन शोषण से व्यक्ति गे या समलैंगिक बनते हैं। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रुग्नाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ बाल यौन शोषण से पीड़ित वे लड़के जिनकी आयु किशोरावस्था है, 8 से 10 साल भी हो सकती है, 12 साल भी हो सकती है, 18 साल के बीच में भी हो सकती है। आज एक ऐसे लड़के के बारे में बता रहा हूँ जो 10 साल का लड़का और उसके साथ में एनल सेक्स गुदा मैथुन हुआ, फिर उसे लत लग गई। इस प्रकार के मेरे पास काफ़ी उदाहरण हैं, पर सबको मैं प्रस्तुत नहीं करता हूँ। कभी कभार काफ़ी लोग बहस कर लेते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। हम उन किसी का विरोध नहीं करते हैं जो समलैंगिक में अपनी इच्छा रखते हैं, रुचि रखते हैं, या जैविक रूप में बायोलॉजिकल वो बने हुए हैं, तो हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। वो अपनी जीवन शैली में जी सकते हैं, उनके लिए हम कोई बंधन या बाध्य शब्द नहीं कह रहे हैं। पर दास और दस्यु की भूमिका को यहाँ समझना होगा आपको। एक व्यक्ति जो अल्प आयु के अंदर उसके साथ में शोषण हो जाता है, यौन शोषण, और वो लत कैसे लगती है और उस लत को बुला क्यों नहीं पाता है, ये जानने के लिए आपको एक थोड़ी देर के लिए मैं एंटिक साइकोलॉजी में ले जाता हूँ। मॉडर्न साइकोलॉजी भी मिलती जुलती है, पर एंटिक साइकोलॉजी तो ये उस वर्तमान साइकोलॉजी की, मॉडर्न साइकोलॉजी की पितामह है, जिसमें कोई भी अंतकरण, मन का जो अंतकरण है उसमें 3 भूमिका हमेशा होती है, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मन बाहरी इंद्रियों और बुद्धि के बीच संयोजन का कार्य करता है। मन के संयोजन से बाहरी इंद्रियों क्रियाशील होती है और मन संयोग से ही बुद्धि क्रियाशील होती है, और इनके अनुसार इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान और मन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचाई जाती है और बुद्धि उसे काट छांट करके संयोजन में रख लेती है। कहने का तात्पर्य, संज्ञान बिना प्रेरणा से नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के कोई गुरु होगा, कहीं ना कहीं उसके साथ में संज्ञान होगा, और कोई प्रत्यक्षीकरण किसी चीज़ का देखेगा उसके बाद ही होगा। तो हमारा मन इंद्रियों से कोई भोग विलास जो किया है उसकी एक लत और आदत हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ए और बी दो व्यक्ति है। ए एक लड़का है जो बाल उम्र में है। वो बालक कभी भी जाके किसी बड़े को नहीं कहेगा कि मेरे साथ में सेक्स करो, एनल सेक्स करो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ और होता भी नहीं है। पर बी टाइप का जो आदमी है वो लड़कियों की बजाय लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि लड़कियों, पहली बात तो लड़कियां उपलब्ध होती नहीं है, और लड़कियां उपलब्ध भी हो जाती है तो माँ बाप को शिकायत कर लेती है, गर्भवती होने के चांसेज होते हैं। फिर ये लड़के दस्यु किस्म के होते हैं, बैंडिट किस्म के होते हैं, और दास्य उन लोगों को बना देता है बेला फुसला कर या बलपूर्वक, जो छोटे बच्चे हैं। फिर उनकी बुद्धि में ये भर लेते हैं कि ये नेचुरल है, जो गलत है। ये बाल यौन शोषण है। इन लोगों ने ऐसा जाल बिछा रखा है। जो बी टाइप के आदमी हैं वो ए का शोषण करते रहते हैं और कहते हैं नेचुरल है, कैसे नेचुरल हो गया। और जो कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि अगर नेचुरल है, तो मैं उन्हें कहता हूँ आप अपने बेटे के साथ में, भाई के साथ में प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए,
अपने बच्चों से का बलात्कार करवा के देख लीजिए, पता चले कि उनकी लत पड़ती है या नहीं पड़ती है। मेरे पास में पूरे भारत वर्ष के काफ़ी लोगों ने, पीड़ित लोगों ने मुझे बताया कि हमारे साथ में बाल यौन शोषण हुआ है, उन्हें एनल सेक्स, गुदा मैथुन, मुख मैथुन करवा दिया गया और लत पड़ गई। अब वो लड़के अपने माँ बाप को बता नहीं सकते और बी टाइप का आदमी इनका शोषण करता रहता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो जिनको शौक है वो अपना काम करते रहिए, पर जिन लड़कों के साथ में बाल यौन शोषण हुआ है उन्हें सुधरने का अवसर दीजिए। वो सुधर रहे हैं, ग्रस्त जीवन में आ रहे हैं, और ऐसे लड़के जिन्होंने मुझसे काउंसलिंग ली उन्हें नया संज्ञात्मक ज्ञान जो देना है दिया, उन्हें क्या डाइट लेनी है। कोई भी व्यक्ति भ्रम में जी रहा है, दवा खाने से भ्रम दूर नहीं होता है, थॉट ज़्यादा आते हैं, दवा खाने से थॉट कम तो हो सकते हैं पर चेंज नहीं हो सकते हैं, उसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी देनी पड़ेगी। और साइकोलॉजिकल जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी जिन लोगों ने मुझसे ली है वो पिता भी बन चुके हैं। जो लोग कहते हैं कि ये नेचुरल है, जो गलत है, ये मेरे अनुसंधान की बात मैं कह रहा हूँ, मैं बायोलॉजिकल वालों को कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ। जो जैविक रूप में है, मैं जन्म से जैविक है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सामाजिक सताए हुए उन लोगों की बात कर रहा हूँ। मेरे पास में सारी शोध वही है, टोटली सैकड़ों मेरे पास में ऐसे लोगों के विचार पड़े हैं जिनके साथ में बाल यौन शोषण हुआ है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस बाल यौन शोषण को अपराध के रूप में बढ़ा दिया जाए, उसकी सहायता की जाए, गलत है। सुधरने का अवसर मिलना चाहिए उन लोगों को। और अब आप सुनिए मेरी उस लड़के से जो वार्तालाप हुई है, वो आवाज़ बदल कर मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। जी, मैं आपका एक वीडियो देखे थे। हाँ, उसी के बारे में कुछ पूछना था। बोलिए। जी, मैं एक गे हूँ, इसे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। उसके लिए एक महीने का ऑनलाइन काउंसलिंग कोर्स होता है। जी, दो प्रकार के कोर्स हैं। अच्छा। एक 45 मिनट का महीने में 10 दिन, अच्छा। दो दिन छोड़ के, एक 90 मिनट का दो दिन छोड़ के, ऐसे 10 दिन कोर्स होता है, एक महीना चलता है ये। अच्छा। पहली बार कभी ये दिक्कत हुई थी? जी, हमें तो काफी दिन से है। नहीं, फर्स्ट टाइम कब तुमने ये काम किया था, या तुम्हारे साथ किसी ने काम किया था? अपने आपको गे बोल रहे हो, तो पहली बार कौन सी उम्र में तुम्हारे साथ में एनल सेक्स हुआ? करीब 10 साल के थे। 10 साल के थे, किसने किया था? ये गांव का था एक लड़का। उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र थी करीब 20 का करीब। और तुम्हारे मन से तुमने उसको कहा था या उसने तुम्हारे ऊपर किया, ये बताओ, दोनों में से किसने पहल की? ये वही किया था। उसने किया ना, तो उस समय तुम विरोध नहीं कर सके थे? नहीं। अपने घर वालों को बताया कि नहीं? नहीं जी। तो मतलब वो तुम्हें बार बार बुलाता रहा और तुम विरोध नहीं करते रहे? जी, मैं डर गए थे। डर गए थे। और अब जो ठीक होना चाहते हो जी, तो अब उम्र कितनी है? अभी तो 24। 24 की है। क्या काम करते हो? जी, मैं एक का काम करता हूँ। ओके, कोई बात नहीं बेटे, ठीक हो सकते हो, अपनी जिंदगी आसानी से जी सकते हो। तुम्हारे साथ में शोषण हुआ है, क्या हुआ है? शोषण? हाँ, शोषण हुआ है। उस शोषण के फिर आदि हो गए तुम, आई समझ में? तो ठीक हो सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने दो बातें बता दी, ये दो कोर्स है, लोगे तो मैंने बहुत लोगों को ठीक किया है, हिंदुस्तान में सभी जगह से आ रहे हैं और मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं भी सोच के बताता हूँ। हाँ, ये आपका निजी मामला है। ठीक है, ठीक है। तो आपने सुना कि ये लड़के बाल यौन शोषण से पीड़ित होके
अपने अंदर एक लत लगा दी और फिर एक भावना जगी कि हमें मान सम्मान चाहिए, हमें वो अधिकार चाहिए जो परिवार बसा सके, हमारा भी परिवार हो, पत्नी हो, बच्चे हो, हमारा बुढ़ापा अच्छा बीते। तो वो लोग मुझसे संपर्क करते और उनको मैं ठीक कर रहा हूँ। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।